Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री। ना मतलब हल्की फुल्की। अरे यार राजू, तुमने यार इतना बढ़िया माहौल बनाओ जो है सबका है, मतलब अब तुम जो भद्दू मजाक ना करो यार। हम मजाक ना कर रहे हैं, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। तो काहे जो फिर? तुम्हें ना बस अम्मा की बेइज्जती करने है। बाकी बात अम्मा से हम कह दिए कि हमने तुम्हारे लाल को हिप्नोटाइज करके रखो है, तभी ये सब हमारे कहन पे कर रहे हैं। और बाकी बात ना, अम्मा हमसे ना डरी है कि अगर हमने कहीं कछु बहू को बोलो तो बहू हमें हिप्नोटाइज ना कर दे, बासे ना हमारो दबदबा बन जाइए। अम्मा ने डरी है हमसे, बच बच के रही है। तुम्हारा होगा वो, अब दिमाग खराब, ये का बकवास भरी बातें कर रही। तुम अम्मा को देखी उमर जा, उमर में तुम ऐसू, मतलब हमने सोची ना आती तुम इतना गंदो मजाक करोगी। अच्छा, और तुम्हारी अम्मा जो करती है हमारे संगे वो हाँ, एक को मौका ना छोड़ती हमें सुनान को, बस पीछे पड़ जाती है गिद्ध जैसे कि कब दबोच लें बहू को। जो फालतू को काम हमसे ना होगो, कर लो अपने मन की। तो ठीक है, फिर तेरवी के लिए तैयार हो जाओ। कौन की तेरवी? हमारी तेरवी है। तुमने अभी एक कसम खाई ना माई? अरे यार कहाँ फंसा दी थी तुम यार जो get, 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 get. After so many days sleeping like full relaxed. Welcome, let's meaning you already feeling so good, meaning you to killing like a flower. You know, this is my family, everybody living with love, and you only finding love here, there, everywhere. Good morning bachcho, kya haal hai? Are good morning, hello bade bhaiya. Hello auntie kisko bol rahe? Didi. Good morning. Oh, lovely morning. क्या छोटे भाई हैं, मतलब तड़ी पार कर दिए क्या घर से? पहली बात बेनी, हेलो अंकल। दूसरी बात ये कि कमले स्टेइंग हियर विद अस बिकॉज़ ही बिकमिंग आवर सम टाइम फ्यू डेज का गेस्ट। क्या बात, वेरी गुड। मतलब बिन बुलाए मेहमान था जे का ढंग चल रहे हैं, दोपहर होने को आ रही, अभी तक चाय ना मिली। जो तो गई। अरे चाची प्रणाम, अभी तक आपको चाय नहीं मिली? अरे बिनिया हमाओ ऐसी किस्मत कहा कि बिना मांगे कछु मिल जाए। अरे हमें तो बिना बोले ही मिल जाती है पिटाई। हाँ और साथ में डांट भी, एकदम मुफ्त मुफ्त मुफ्त। मुझे तो सुबह की चाय ना मिले ना तो मेरा तो ऐसा सर भारी भारी होने लगता है, इसलिए बेनी के हाथ की सुबह पहले मैं चाय पीती हूँ। हमाओ भी खोपड़िया भन्ना रही है। अरे बहू, अरे चाय आज की तारीख में मिलेगी कि मंदिर जाके बैठ जाएं? जाओ तुम, अम्मा तुम्हें बुला रही, जल्दी जाओ। चल तुम गौर से सुनो, भी हमें नहीं बुला रही, भी तुम्हें बुला रही है। पर जाइयो तुम ना, जल्दी जाओ ना। हम घबराहट हो रही है, हम कर ना पाएंगे। हम ऐसी अम्मा की बेइज्जती कब ना करी हमने, हम कैसे करेंगे? पूरी बॉडी हमारी कांप रही है, कांप रही है हमारी। सुबह सुबह से इतनों काय चिचिया रही आ? शोर काय मचा रही? चिचियाए नहीं तो और का करे, तेरी महारानी उठी ना अभी तक है, हमें चाय ना मिली। रज्जू ने अगर चाय नहीं बनाई हा? तो तुम बना लेती हा? ना कौन सा पार्ट टूट जा, तो हम चाय बनाएंगे। लियो, यही तो होतो है, आदमी किचन में रसोई में जानो झकनो बंद कर दे, छोटे छोटे काम भूल जाते है। चाय बनानो भूल गई का तुम हैं? चोमूलाल, अबे सुबह सुबह टिका ली क्या, का बोले जा रहे हो तुम चाची को बनाने को चाय? ए अपुआ, तेरो दिमाग घूमगा वो है का? हम काय बनाए ने, बहू का अचार डाले, बहू बनागी चाय? कौन सी किताब में लिखो, कौन सी किताब में लिखो है कि बहू की ड्यूटी है? हाँ अम्मा, अरे अरे हमें लेट होएगा, अभी हम चाय बनाए। रुक जाओ, पीछे हो। अब से तुम चाय नहीं बनाओगी। चाको मतलब है कि जा घर में अब चाय ना बनेगी? जो कौन ने कही, तुम बनाओगी।
बैठी बैठी खटिया ही तो तोड़ती हो। तनक हाथ पांव चलेंगे, शरीर में जंग लग रही है, खुद भी तो करो कछु। अबुआ, जे उम्र में तू हमसे काम करवाएगो? काम करने की कोनो उम्र ना होती अम्मा। नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं, हम चाय बना रहे हैं। तुम कहीं तो बोल रहे अम्मा को बेचारी। फादर, आपने थोड़ा ज्यादा नहीं बोल दिया। पापा, तुमसे को उन्हें राय मांगी? हाँ, जब देखो बाप के बीच में टांग अड़ाती है। आज से तुम चाय बनाओगी, रोज बनाओगी। आधे घंटे पहले खटिया छोड़ दो और सीधे किचन में। कहाँ? रसोई में। और अबे तो तुरंत बनाओ, हमें देर हो रही। थाने जाने एकदम कड़क चाय। तुम आओ हमारे साथ, हैं? ग्रैंडमदर। बेचारी दादी। हप्पू, सब तुम्हारी तरह शर्मा के समोसे खाने नहीं आते हैं, कुछ काम भी करना होता है। करेक्ट। खैर, मुद्दे की बात यह है कि ये पूरा हफ्ता वुमन सेफ्टी वीक यानी कि महिला सुरक्षा सप्ताह मनाया जाएगा। साहब, तो फिर आप बताओ कैसे, मतलब जश्न कैसे मनाने की तैयारी है? क्या करेंगे कि हम इस पूरे हफ्ते जो है महिला सुरक्षा पर कोई स्लोगन या बहुत बढ़िया सी लाइन लिख के थाने के बाहर लगा देंगे। हापू सिंह, हमारे थाने से भी एक जोरदार स्लोगन जाना चाहिए और वो स्लोगन लिखोगे तुम। हम ना, अरे साहब देखो, हमें देखो, गौर से देखो, जौन आदमी को खुद सुरक्षा की जरूरत है, वो इन लोगों के लाने से लोगन कैसे लिखेंगे? हप्पू, हमारे पुलिस स्टेशन की इज्जत का सवाल है, सोचो सोचो कुछ सोचो। हमारे पास दो ठैया अभी ताजी ताजी आई हैं, दिमाग में लाइन है। इरशाद, जौन आदमी नारी को करेगो अपमान, जौन आदमी नारी को करेगो अपमान, बाको का भौमा अपना करेगो भगवान। क्या बात है हप्पू सिंह, क्या बात है, वेल डन वेल डन, क्या लिखा है तुमने, लगता है अंदर से आया है, एकदम दिल से उभर के आया है, बहुत अच्छे। वो इसलिए सर, क्योंकि हप्पू सर के यहाँ इनकी माँ और बीवी दो दो नारियां है। मुन्नू बेटा, Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।